जोधपुर जिले के उप तहसील मुख्यालय मतोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत मोटियार नगर गांव में एक हिरण को श्वानों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हिरण के चीखने की आवाज पर ग्रामीणों ने उसे श्वानों से बचाया और ओसिया वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग ने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, दिखाएंगे आपको इस खबर में। एक तरफ तो वन विभाग वन्य जीवों के प्रति सजग होने के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने से भी नहीं चूकता। घायल हिरण की सूचना वन विभाग को देने पर अधिकारियों ने गाड़ी नहीं होने का कहते हुए ग्रामीणों की बात को अनदेखा कर दिया और गाड़ी आने तक इंतजार करने को कहा। लेकिन वन्यजीव प्रेमियों के साथ हमारे संवाददाता भी वन विभाग चौकी पर पहुंचे तो वहां गाड़ी मौजूद थी, जिसे लेकर वहां मौजूद कर्मचारी जवाब देते समय लड़खड़ाते दिखे। गौर से सुनिए इस अधिकारी की बात को। गौरतलब है कि कर्मचारियों ने ग्रामीणों से फोन पर गाड़ी ना होने की बात कही थी, जबकि गाड़ी वहां मौजूद थी, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने नारेबाजी की और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। तो आप हिरण को बाइक पर कैसे ला सकते हो? नहीं, बाइक कोई बात नहीं, हम गाड़ी भेजते हैं, गाड़ी से लाते हैं। नहीं, ऐसा हमारे पास है, उनका सर ऑन रिकॉर्डेड है और ले रहे थे। और आपकी जीप को जोधपुर बताया गया जो कि इधर मौजूद है अभी? नहीं, ये तो जा रही थी वो। आपके अधिकारियों ने इस जीप को जोधपुर में होना बताया गया है, जो ये जीप अभी सामने है। ग्रामीणों के बार बार फोन करने पर विभाग ने गाड़ी होते हुए भी एक कर्मचारी को मोटरसाइकिल पर घायल हिरण को लाने भेज दिया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल पर हिरण को ले जाने से मना कर दिया। जीव रक्षा बापड़ी अध्यक्ष सुनील बागड़वा ने अपनी कार से हिरण को ओसिया पहुंचाया और प्राथमिक उपचार करवाने के बाद वन विभाग को सुपुर्द किया। मैं सुनील बागड़वा, जीव रक्षा अध्यक्ष बापड़ी। मुझे सुबह सूचना मिली कि मोटौनिया नगर में एक हिरण को कुत्तों ने घायल कर दिया, जिसमें मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार करवाया और वन विभाग टीम को सूचना देने पर बावजूद भी कोई नहीं आ पाया, तो मैंने मेरी निजी वाहन से ओसिया पहुंचाया। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।